हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंड्यूसमेंट के बारे में, चौक के बारे में और बॉस के बारे में, कि बॉस क्या होता है, चौक क्या होता है, इंड्यूसमेंट क्या होता है। और साथ साथ हम लोग बैंक निफ्टी का भी चार्ट एनालिस करने वाले हैं। और आपका जो डाउट रहता है हर बार कि गैप अप होता है या गैप डाउन होता है, जैसे मुझे लास्ट कमेंट आया था एक वीडियो में, ये वाले वीडियो में, कि गैप अप होता है गैप डाउन होता है, तो उस सिनेरियो में हम लोग कैसे ट्रेड करने वाले, तो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। मेक श्योर आप वीडियो पूरा देखें शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि जो चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद ही आपको किसी पेड कोर्सेस में मिले, जो कि आज आपको इस वीडियो में फ्री मिलने वाली है। हो सकता है ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद में आप बहुत हद तक आप ट्रेड लेना जान जाएंगे, या जो भी ये इतने बड़े बड़े मोमेंट्स हैं ये आप कैसे कैप्चर करेंगे ये आप जान जाएंगे, और आप गलती कहाँ पे करते हैं और आपको क्या अवॉइड करना है, ये भी सारी चीज़ें हम लोग जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो जो है ना, ये SMC की जो हमारी प्लेलिस्ट है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट A to Z, तो ये फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड हो चुका है। तो आप मेक श्योर करना कि पहले आप ये वीडियो देखो Part 1, उसके बाद में फिर ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो देखना, क्योंकि आपको एक बेटर क्लैरिटी आएंगी। और इसके आगे भी 2-4 वीडियो आने वाली है, मतलब प्रोबेबली 8-9-10 वीडियो आ सकती है। तो आप अगर वन स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो में बहुत सिंपल वे में बताऊंगा, और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि एज अ सेट की हर कोई नहीं बताता आपको, और काफ़ी ज़रूरी भी है। और जो गैप अप गैप डाउन को लेकर आप परेशान होते हैं ना, उस वो सारी चीज़ें हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं, तो हम लोग शुरू से अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में दो जो इंडेक्स के बारे में, मतलब दो इंडेक्स का मैं एज एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। बैंक निफ्टी मैंने जानबूझ के इंक्लूड किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बोलना ये होता है कि बैंक निफ्टी जो है कुछ फॉलो नहीं करता, मतलब गैप अप होता है गैप डाउन होता है तो मूवमेंट हम लोग कैच नहीं कर पाते। और एक गोल्ड का भी एग्जांपल दूंगा मैं, जस्ट दो ही एग्जांपल, दो ही इंडेसेस में कवर करूंगा। ऐसा नहीं कि बाकी इंडेसेस नहीं ले सकते, लेकिन टाइम ज़्यादा चला जाएगा। बाकी मैं यूरो यूएसडी का भी ले सकता हूँ, कोई भी इंडेक्स का आप लो सेम ही होता है, ठीक है। तो कंसेप्ट जो है सेम ही रहता है, ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर ट्रेड लेते हो, अगर आपको पता है स्ट्रक्चर बुलिश है या बेरिश है, तो आप अकॉर्डिंगली सही ट्रेड लोगे। अगर स्ट्रक्चर अगर बेरिश है और आप अगर बुलिश ट्रेड लेते हो, तो उस केस में आपका SL हिट होना ही होना है। और वही चीज़ हमारे साथ में होती है बैंक निफ्टी में हम लोग जब भी ट्रेड लेते हैं, तो ऐसा हर बार हम सोचते हैं कि स्टॉप लॉस क्यों हिट होता है या हमारे अगेंस्ट में ही क्यों जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि इंड्यूसमेंट, बॉस और चौक क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, ये सारी चीज़ डिस्कस करने से पहले देखिए, मार्केट अगर बुलिश है तो इस तरह से मूव करता है, राइट। आई होप ये चीज़ें तो आपको पता है, ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चीज़ें बस यहाँ तक ही नहीं है, यहाँ तक सीमित नहीं है चीज़ें, ठीक है। ये स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बुलिश स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये अपना हायर हाई हो गया, राइट। मैं अगर यहाँ पे अगर लिखता हूँ, सपोज ये हमारा हायर हाई है, ठीक है, यहाँ तक तो हर कोई जानता है। और ये जो है हमारा हायर लो है, अभी आपको यहाँ तक प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। ये हायर लो है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये स्ट्रक्चर जो है इस तरह से कंटिन्यू होता है, राइट। तो ये जो है ये दोबारा हायर हाई और ये हायर लो, तो ये जो स्ट्रक्चर जा रहा है तो ये हायर हाई है। तो यहाँ पे ये जो हाई स्विंग हाई जब ब्रेक होता है, ज़्यादा देखिए आप वर्डिंग्स पे मत जाना, जैसे इस तरह से कुछ वर्डिंग्स है ना, फॉर एग्जांपल जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, ये जो चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बॉस चौक, तो बहुत सिंपल सा है। अगर ये स्ट्रक्चर अगर बुलिश है तो ये अगर ब्रेक हो रहा है स्विंग हाई, ये जो स्विंग हाई अगर ब्रेक हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूशन में है, ठीक है। उसके बाद फिर ये दोबारा यहाँ पे एक स्विंग हाई तैयार हो गया, ये पुल बैक है, राइट, पुल बैक आ रहा है। उसके बाद फिर दोबारा एक स्ट्रक्चर जो है ये ब्रेक हो गया, ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो अगर कोई स्ट्रक्चर अगर बुलिश है और ये स्विंग हाई अगर तोड़ते हुए ऊपर जाता है, इस तरह से अगर रिपीट होता है कंटिन्यूशन में, इस तरह से जाता है, राइट, इस तरह से, तो ये जो रहेगा हमारा, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम लोग बोलेंगे, ठीक है। ये ट्रेंड ऐसे चलते रहेगा, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या BOS कुछ नहीं है, जस्ट एक ये चीज़ होती है कि ट्रेंड कंटिन्यूशन में ही है।
कभी ना कभी ये ट्रेन टूटेगा, ठीक है। और जब ये ट्रेन टूटेगा तो ये ट्रेन इस तरह से आएगा कुछ, राइट। ये स्विंग हाई टूटा और फिर ये कंटिन्यू शुरू होगा यहाँ से, समझा। तो ये हो गया हमारा चौक। अभी चौक मतलब क्या होता है? चौक मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। नॉर्मल आसान भाषा में अगर आपको समझना है तो ये कुछ नहीं होता, ये जस्ट एक ट्रेंड रिवर्सल होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग बुलिश थे, वो यहाँ से लेके यहाँ तक जैसे ये स्विंग लो टूटा तो यहाँ इस पॉइंट से हम लोग जो है बेरिश जो है ट्रेंड में आ गए। तो ये चौक मतलब ट्रेंड रिवर्सल होता है, दैट मीन्स चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से फिर अभी जो है ये कंटिन्यूशन होगा अपना बेरिश स्ट्रक्चर का कंटिन्यूशन, मतलब ये लो टूटा, ठीक है। तो ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर दोबारा ये लो टूटा, ठीक है, ये दोबारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर ये स्ट्रक्चर इस तरह से कंटिन्यू होगा, ये ऐसे जाएगा, ऊपर पुल बैक लेगा और नीचे आएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू ऐसे ही चलेगा, और जब जब ये लो टूटेगा तब तक हम बोलेंगे कि ये बॉस हो गया है। बॉस हो गया मतलब क्या हो गया है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, यानी कि ट्रेन जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। अभी ट्रेन बुलिश भी हो सकता है आपका और ट्रेन बेरिश भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना है। बॉस का मतलब सिंपल ये है कि एक ट्रेन कंटिन्यूशन को बॉस बोलते हैं, विच मीन्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और चौक जो होता है, अगर कोई ट्रेन बुलिश जा रहा है बहुत लंबे समय से, अगर बुलिश जा रहा है और अगर ट्रेन चेंज होता है, जैसे कि यहाँ पे ये स्विंग लोड टूट के अभी नीचे आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं चौक। बॉस और चौक में बहुत लोग जो है कन्फ्यूज़ होते हैं कि उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, बॉस जो होता है कंटिन्यूशन होता है। अगर बुलिश ट्रेंड है तो बुलिश कंटिन्यूशन होगा, अगर बेरिश ट्रेंड है जैसे ये वाला तो बेरिश ट्रेंड कंटिन्यूशन होगा। और हम लोग बॉस इसके लिए बोलते हैं क्योंकि ये जो स्विंग लो है ना, ये जैसे ही ब्रेक होता है और नया स्विंग लो बन जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है और नया स्विंग लो बनते जा रहा है, तो स्ट्रक्चर ब्रेक को ही हम बॉस बोलते हैं। और ये चौक एक ही बार होता है जब ट्रेंड चेंज होता है, रिवर्सल होता है। तो ये हो गया आपका बॉस और चौक। अभी बचा इंड्यूसमेंट। अभी मेन जो कंसेप्ट है ना, बस यहीं पे आता है इंड्यूसमेंट। यहाँ पे देखिए, ये चीज़ें बहुत आपको आसान लगी अभी, या प्रॉब्ली किसी किसी को, किसी किसी ने अगर फर्स्ट टाइम सुनी होगी तो उनको थोड़ा दिक्कत हुई होगी। लेकिन अभी मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, पूरा मतलब आपका जो प्रॉफिट, ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट है या जो भी आप प्रॉफिटेबल बनोगे, जो उसका बेस है ना, वो अभी से इसी वर्ड से शुरू होता है, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट मतलब पता है क्या होता है? अभी हमने तो ये डिस्कस कर लिया कि ये ट्रेंड जो है बुलिश है, लेकिन एक्चुअल चार्ट में ऐसा होता है कि इतना ईजी होता है क्या? एक्चुअल चार्ट में इतना ईजी नहीं होता। हम किताबों में क्या पढ़ते हैं कि इस तरह से ट्रेंड होता है, ये ट्रेंड लाइन जा रही है ऐसे, यहाँ पे हम लोग हमको बाय करना है और यहाँ पे फिर ऐसे राइट करना है, ट्रेंड लाइन जैसे ब्रेक होगी हम लोग सेल करेंगे क्योंकि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है। चीज़ें जितनी सिंपल दिखती है बुक में या डायग्राम में, उतनी सिंपल नहीं होती है। इंड्यूसमेंट आपका वो चीज़ है, इंड्यूसमेंट मतलब लोगों को इंड्यूस करना। आपको पता है मैं हर बार एक चीज़ बोलती रहता हूँ कि मार्केट को ऊपर जाने के लिए या नीचे आने के लिए लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है। अभी लिक्विडिटी मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी मतलब होता है SL, स्टॉप लॉस। किसी का स्टॉप लॉस अगर हिट नहीं हुआ, हंट नहीं हुआ, तो मार्केट मूवमेंट कैसे देगा? तो पता है ये जो हम लोग देखते हैं ना इस तरह से मूवमेंट, ये बहुत ईजी लगती है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ना, रियल मार्केट में क्या होता है, नो मैटर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, एक्चुअल में मूवमेंट पता है इस तरह से होता है, ऐसे ऊपर जाएगा और ये लो जो है इसको ब्रेक करेगा और उसके बाद में मूवमेंट मिलेगी तगड़ी वाली। अब ये इसी में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता। अगर मैं बैंक निफ्टी का आपको रैंडम चार्ट दिखाऊं ना, ये आपको लगेगा कि क्या है ये, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ ट्रेड ले, कहाँ नहीं। कोई यहाँ पे कॉल बाय करता, कोई नीचे पुट बाय करता, और वो उनके जो ट्रेड है अगेंस्ट में चला जाता है, ठीक है। इस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन हम बेसिक जो है फाउंडेशन आप पहले ये समझ लीजिए। एक्चुअली इंडस्टमेंट क्या होता है? ये जो मूवमेंट गई यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर और फिर नीचे और फिर यहाँ से ऊपर, तो ये जो स्विंग लो होता है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग बाय करते हैं। और मार्केट का एक रूल होता है, मार्केट का रूल नहीं होता, जो भी मार्केट मेकर बोलो आप या जो भी चार्ट बोलो या कोई भी स्टॉक मार्केट, क्या होता है कि यहाँ पे जो जो बाय करते हैं ना, उनका ऐसे लेगा पहले मार्केट और उसके बाद में ऊपर जाएगा। इसलिए ये जो चार्ट हम लोग बुक में देखते हैं ना, कभी वर्क नहीं करता, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ही रोजी फैंसी ब्यूटीफुल पिक्चर है कि ये मतलब पिक्चर परफेक्ट है ये, जैसे ये वाली ट्रेंड लाइन या फिर यहाँ से इसके नीचे का आप ये बोल लो, ये वाला ट्रेंड लाइन ऐसे इस तरह से, तो ऐसा जो है नहीं होता। तो ये
जो है एक्चुअल में ट्रेंड जो चलता है, बैंक निफ्टी का बोलो या कोई भी दुनिया का कोई भी स्टॉक मार्केट हो, ये इस तरह से चलता है। कैसा, ये देखिए, ये हंट कर लिया, ये ऊपर गया और फिर दोबारा ये इस तरह से ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, दोबारा ये हंट करके यहाँ पे कोई तो भी डिमांड जोन होगा वहाँ से फिर वो रिएक्ट करके दोबारा ऐसे ऐसे जिगजैग में जाएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना कि प्राइस का जो नेचर होता है फ्रैक्टल होता है। फ्रैक्टल मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रैक्टल का अर्थ ये होता है कि कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, जस्ट एक ऑब्जर्व कर रहा है, सर्कल है, और इस सर्कल में फॉर एग्जांपल ट्रायंगल है, ये सर्कल में क्या है, ट्रायंगल है। अभी दोबारा अगर मैं आपको बोलूं कि इस ट्रायंगल में क्या है, सॉरी थोड़ा अलग गया, ये ट्रायंगल में मैं अगर आपको दोबारा बोलूं कि क्या है, सर्कल है, और फिर इस सर्कल में दोबारा मैं आपको बोलूंगा क्या है, क्या है, सर्कल में दोबारा ट्रायंगल है। इसी को बोलते फ्रैक्टल। मतलब क्या, फिर ये ट्रायंगल में दोबारा सर्कल आएगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी प्राइस जो है, ये जो भी ट्रेंड आप देख रहे हो, इसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रेंड जो आप देख रहे हो ये बुलिश ट्रेंड है, राइट, लेकिन ये ऐसे तो नहीं जाता ना, ये जितना सिंपल दिख रहा है ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, नहीं ऐसे नहीं जाता ना, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हर लोग यहाँ पे, हर कोई यहाँ पे बाय किया होता, हर कोई यहाँ पे सेल किया होता, दोबारा यहाँ पे बाय किया होता। प्राइस जो है फ्रैक्टल है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ना ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया बहुत नीचे आया, और कोई कोई लोग इसी को जो है बेरिश समझ बैठ जाते हैं कि अभी मार्केट जो है बेरिश हो गया प्रोबेबली, तो इस तरह से मार्केट जाता है। देखिए यहाँ पे ऐसे दोबारा ऐसे लिया मार्केट ने, ठीक है, दोबारा ऊपर गया, फिर दोबारा ये ट्रेंड लाइन फॉर्म होती है इस तरह से कुछ, या ट्रेंड लाइन बोलो या जो भी आप स्विंग लो बोल लो, क्योंकि हर एक पॉइंट मार्केट का लिक्विडिटी होता है, बिना उसको लिए मार्केट मूवमेंट नहीं देगा। फिर दोबारा आपको इस तरह से मूवमेंट मिलेगी, ये ट्रेंड लाइन ऐसे ब्रेक होगी, बहुत सारे लोग को लगेगा कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का जो है ब्रेकडाउन हो गया, फिर बहुत सारे लोग ऐसे उनको लगता है कि रिटेस्ट में एंट्री लेंगे, फिर वो यहाँ पे एंट्री लेते हैं, मार्केट थोड़ा सा ऐसे नीचे पुश करता है और दोबारा ऊपर जाता है, तो मार्केट ऐसे ही चलता है। और ये जो पॉइंट मैंने आपको बोला ना, ये वाला जो है ये इसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट के बगैर आप स्विंग हाई या स्विंग लो मार्क नहीं कर सकते। पता है आपको रैंडम अगर मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर मैं सबको, सपोज मैं आपको अगर एक चार्ट दिखाऊँ, बहुत सारे लोग पता है रैंडमली मार्क करते हैं ऐसे, ये हाई हो गया ये लो, ये हाई हो गया ये लो हो गया, ये हाई ये लो ये हाई, वो कहीं पर भी मतलब मार्क वैसा रैंडमली अगर मार्क करने से अगर स्ट्रक्चर सही होता तो हर कोई मतलब पैसे नहीं बनाता। यहाँ पे स्ट्रक्चर को रैंडमली मार्क नहीं किया जाता, और रैंडमली मार्क इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि हमें मेक श्योर करना होता है कि कौन से पॉइंट से जो है स्ट्रक्चर ने लिक्विडिटी ले ली है। अगर मार्केट ने उस पॉइंट से लिक्विडिटी अगर ले ली है, आप अगर स्ट्रक्चर सपोज ये बुलिश है, राइट, ये बुलिश स्ट्रक्चर है, तो ये पॉइंट ने यहाँ से एसएल हंट जब तक नहीं किया तब तक ये हाई नहीं होगा हमारा। अगर इस तरह से जाएगा ना, ये देखिए बहुत सिंपल लगता है, इस तरह से अगर जाएगा ना ये रैंडम, आप ये हाई लो नहीं, ये हाई नहीं है अपना, ये लो भी नहीं है, ये भी हाई नहीं है और ये लो भी नहीं है, ये आप सिंपल इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही बोलोगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अभी क्यों ये आपको, मुझे पता है थोड़ा बहुत सारे लोगों को ना थोड़ा कन्फ्यूजन होता होगा अभी, या वो उनको वो सोच रहे होंगे कि ये क्यों हाई नहीं है या ये क्यों लो नहीं है, क्योंकि ये हाई इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने कोई लिक्विडिटी लिया ही नहीं है। मैं आपको रियल चार्ट पे भी एग्जांपल शो करूंगा, लेकिन उसके पहले हमें ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। ये जो आपको दिख रहा है ये, इसके अंदर पता है बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। मैंने अभी आपको बोला कि प्राइस का जो नेचर है वो फ्रैक्टल होता है। तो ये जो ट्रेंड दिख रहे हो ना आप, सपोज मान के चलो ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, राइट, आप अगर इसको स्विच करोगे ना 15 मिनट पर, तो आपको इसमें भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखेंगे, ऐसे इस तरह से दिखेंगे स्ट्रक्चर, राइट, और आप फर्दर अगर इसको 1 मिनट पर करोगे तो इसमें भी आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे। इसी को हम लोग फ्रैक्टल बोलते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर अंदर तक रहते हैं। तो ये देखिए ये वीडियो जो है ना, मुझे मैं कोशिश करूँगी बहुत छोटी बने, ठीक है, लेकिन छोटी के साथ साथ मुझे आपको इम्पोर्टेंट जो कंटेंट है वो भी मुझे देना है आपको, और मेक श्योर करना कि आपको समझे चीज़ें मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मेक श्योर आप पूरा फोकस और अटेंशन के साथ ये वीडियो देखिए, और आपको अगर नहीं समझ में आया मल्टीपल टाइम्स देखिए आप। तो मार्केट का जो एक्चुअल मूवमेंट होता है वो इस तरह से होता है, राइट, ये हाई नहीं है, ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है हाई नहीं है, अपना हाई हो गया ये वाला एक्चुअल।
ये अपना हाई हो गया। ये हाई क्यों हो गया? क्योंकि इस पॉइंट से मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया है, और इंड्यूसमेंट क्या होता है मैंने आपको अभी बताया। इंड्यूसमेंट SL होता है, इंड्यूसमेंट हर एक वो पॉइंट होता है जहाँ पे स्टॉप लॉसेस होते हैं, या आप बोल सकते हो कि इंड्यूसमेंट जो है ये, जैसे देखिए जैसे मैंने अभी आपको समझा एक चीज़ की, ये जो इस तरह से स्ट्रक्चर जा रहा है तो हर कोई यहाँ पे बाय करता, राइट? क्योंकि हमें वही सिखाया है ना, यहाँ पे बाय करना है, पुल बैक आया यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे तो वही चीज़ होती है मार्केट में, यहाँ पे लोग बाय करते हैं और उनका ऐसा लिया जाता है, उसके बाद में अपसाइड की मोमेंटम मिलती है और फिर सेम चीज़ रिपीट होती है। यहाँ पे आया ये हायर हाई हमारा लग गया और ये हमारा हो गया हायर लो, ठीक है? ये हमारा हो गया हायर लो, ठीक है? इसके ऊपर अगर जो है प्राइस जाते हैं तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। इसके नीचे अगर जाएगा तो मार्केट हो जाएगा बेयरिश, विच मीन्स चेंज ऑफ कैरेक्टर। और चेंज ऑफ कैरेक्टर कैरेक्टर का मतलब क्या है? रिवर्सल है फ्रॉम बुलिश टू बेयरिश। तो यहाँ से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है? ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा, और फिर यहाँ पे दोबारा प्राइस कंटिन्यू अप मूवमेंट दे रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते जा रहा है करते जा रहा है। अभी यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया नहीं है, अभी इस पॉइंट पे मार्केट ने जो है इंड्यूसमेंट लिया है, ये जो स्विंग हाई है ये वैलिड पुल बैक है, ठीक है? तो यहाँ पे मार्केट ने आपका जो है इंड्यूसमेंट लिया, ये हो गया इंड्यूसमेंट, यहाँ पे अपना दोबारा हायर हाई जो है ये हो गया कन्फर्म इस पॉइंट पे, ठीक है? और फिर यहाँ पे दोबारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, राइट? क्योंकि ट्रेंड जो है वो बुलिश है। मैं आपको जो समझा रहा हूँ ये चीज़ें, थोड़ा ध्यान देना आप और समझना। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और फिर ये हमारा सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या हो गया? हाइयर लो हो गया ये वाला, सॉरी ये वाला। और इसी तरह जो है प्राइस ऊपर जाता रहेगा इस तरह से, ठीक है? ये दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, फिर ये दोबारा इंड्यूसमेंट लिया, और ये देखिए ट्रैपिंग इसी तरह से होती है। ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली पूल है लिक्विडिटी का, क्योंकि यहाँ पे रिटेलर लोग बाय करते हैं। यहाँ पे दोबारा मार्केट ने लिया इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट लेने के बाद में दोबारा हमारा हायर हाई ये जो है कन्फर्म हो गया, हायर हाई कन्फर्म हो गया, ठीक है? यहाँ पे सबको ट्रैप किया और दोबारा ये अप मोमेंट दे दिया, ठीक है? फिर ये दोबारा जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा हो गया ये वाला, राइट? और इसी तरह से प्राइस जो है चलते रहेगा, और ये दोबारा हमारा हायर लो हो गया ये वाला, ठीक है? और ये फिर इंड्यूसमेंट का काम करेगा, और उसके बाद एक्चुअल अभी गेम शुरू होता है। अगर ये लो हमारा स्विंग लो टूट गया तो यहाँ से होगा हमारा स्ट्रक्चर बेयरिश। फिर हम लोग उसी तरह से, अभी मैं ये निकाल देता हूँ आपको समझाने के लिए, अभी सपोज ये अगर लो ब्रीच होता है, अगर प्राइस इस तरह से आता है तो ये हो गया हमारा चौक। चौक का मतलब क्या है? चेंज ऑफ कैरेक्टर। मैंने जस्ट अभी आपको समझा है, अगर आप तो नहीं तो आप ये वीडियो दोबारा एक रिवाइंड करके पीछे जाके देख सकते हो। इसको बोलेंगे हम लोग चौक। चौक मतलब ज़्यादा कुछ सोचना मत, चौक का मतलब कुछ नहीं होता, ये जस्ट एक होता है कि ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो गया। अब तक बुलिश चल रहा था ट्रेंड, ठीक है? हर एक चीज़ की एक साइकिल होती है, राइट? साइकिल मतलब समझ रहे हो, अगर बुलिश जा रहे हैं तो वो कुछ साइकिल रिपीट करेगा बुलिश के, उसके बाद में फिर वो साइकिल टूट जाती है, राइट? सेम वही बुलिश साइकिल चल रही थी, अभी ये अभी ट्रेंड चेंज हो गया क्योंकि ये लो टूट गया। अभी ये लो क्यों टूट गया और यही लो टूटा तो बेरिश क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया और इंड्यूसमेंट लेने के बाद हायर हाई कन्फर्म हो गया। हम लोग रैंडमली मार्क नहीं करते हायर हाई, किसी पॉइंट से अगर स्टॉप लॉस हंट नहीं होते तो उसको हम लोग हायर हाई बोल ही नहीं सकते, क्योंकि अगर मार्केट अगर सीधा अगर इस तरह से जाता है सीधा ऐसा, तो ये स्ट्रक्चर वीक हो गया ना, क्योंकि इस पॉइंट से मार्केट को लिक्विडिटी मिली ही नहीं। एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप अगर यहाँ से 10 किलोमीटर गाड़ी से जाते हो तो आपको पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी ना पड़ेगी? आपको पेट्रोल की ज़रूरत पड़ने ही वाली है, विदाउट पेट्रोल आप गाड़ी चल ही नहीं सकती ना आपकी, आपको फ्यूल चाहिए क्योंकि आपको 10 किलोमीटर दूर जाना है। तो सेम उसी तरह से मार्केट को मूवमेंट के लिए फ्यूल की काफ़ी ज़रूरत होती है, अगर उसको फ्यूल नहीं मिलता तो मार्केट अपसाइड मूवमेंट या डाउनसाइड मोमेंटम नहीं दे सकता, और उसका फ्यूल होता है स्टॉप लॉसेस। तो ये उसने स्टॉप लॉस लिया मतलब इंड्यूसमेंट लिया, उसके बाद में ये हायर हाई कन्फर्म हो गया, और ये जब ये हायर हाई जब स्ट्रक्चर अपसाइड ब्रेक होता है तो सबसे लोएस्ट पॉइंट हमारा होता है हायर लो,
तो ऐसे ही हम लोग हायर हाई हायर लो, ये हायर हाई हायर लो, ये हायर हाई क्योंकि यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया, हायर हाई कंफर्म हो गया, फिर ये हायर हाई को ब्रेक करके अपसाइड क्लोजिंग दे दी मार्केट ने, फिर ये छोटा जो लोएस्ट पॉइंट है ये हायर लो हो गया, और ये हायर लो अगर टूटा तो हमारा ट्रेंड दोबारा होगा बेरिश। तो इस तरह से हम लोग जो है बेरिश हो गए, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं चौक। तो अभी ये चौक का भी फिर उस सेम जो है, अभी जैसे हम लोग बुलिश का मैपिंग कर रहे थे तो सेम इसका भी सेम वही होगा, जैसे ये हो गया चौक, मतलब अभी चार्ट जो है वो बेरिश हो गया। तो बेरिश हो गया मतलब सेम उसी तरह से हम लोग फिर मार्किंग करेंगे, ये नीचे आ गया, ठीक है, तो हम लोग अभी ये सेल नहीं करेंगे, ये चाहे कितना मर्जी ऐसे स्ट्रक्चर दिखे, जब तक ये एसएल हंट नहीं करता, जब तक ये इंड्यूसमेंट नहीं लेता, हम लोग सेल नहीं करेंगे। अभी इस मोमेंट में आप देखोगे तो यहाँ पे एसएल हंटिंग हुई ही नहीं है, यानी कि इंड्यूसमेंट मार्केट ने लिया नहीं है। अगर ये इस तरह से अगर कुछ करता है इस तरह से ये पॉइंट में, क्योंकि बहुत सारे लोग सेल करते हैं, क्योंकि हम टेक्स्ट बुक में वही पढ़ते हैं ना कि ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ से सेल करना शुरू कर दो, तो वो यहाँ पे सेल करते हैं और फिर उनका एसएल जो है हिट हो जाता है। तो जब तक ये एसएल हिट नहीं कराता, जब तक इंड्यूसमेंट नहीं लेता, हम लोग सेल प्लान नहीं कर सकते, और यही होता है एक एसएमसी की सोच, मतलब स्मार्ट मनी जिस तरह से ट्रेड करते उस तरह से, ठीक है, ना कि जस्ट ट्रेडिशनल यू नो आरएसआई और वो मैकडी स्टोकेस्टिक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ने जो है इंड्यूसमेंट लिया, ठीक है, इंड्यूसमेंट लिया, ये हो गया हमारा हायर लो, ये हो गया हायर लो। हायर लो क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया है और इंड्यूसमेंट लेना ज़रूरी है। अगर ये नहीं लेता और डायरेक्ट नीचे नीचे जाता है तो मार्केट का वो स्ट्रक्चर वीक होता है उससे, क्योंकि एसएल मिले ही नहीं मार्केट को, इंडस्ट्रीमेंट मार्केट ने लिया नहीं, स्टॉप लॉसेस लिए नहीं, तो हम बोल नहीं सकते कि हायर लो फॉर्म हो गया, ठीक है, ये हायर लो फॉर्म हो गया, ठीक है। अभी ये नीचे अगर आएगा ऐसे इस तरह से, ठीक है, और ये इसको ब्रेक कर देगा, ये वाला पॉइंट को ये कर दिया ब्रेक, तो ये हमारा हो गया हायर हाई। अभी हम लोग डाउन ट्रेंड में, याद रखना, अभी हम लोग जो थे बुलिश थे, अभी ये चौक हो गया, बेरिश हो गया। मैं ये आपको रियल एग्जांपल भी दिखाऊंगा बैंक निफ्टी में, और मैं बैंक निफ्टी का भी चार्ट दिखाऊंगा और गोल्ड का भी दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये हो गया हायर हाई, एक बात याद रखना है, स्ट्रक्चर हम लोग जो मार्क कर रहे हैं ना, अभी ये हायर हाई हो गया, इसके ऊपर दोबारा अगर जाएगा ये क्लोजिंग, अगर इसके ऊपर दोबारा होगी तो हम लोग दोबारा बुलिश हो जाएंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर इस तरह से जा रहा है, राइट, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे ही इसके ऊपर अगर निकल गया ये, क्योंकि हमारा रिसेंट स्विंग हाई कौन सा, यही है ना, यही है, तो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो हम लोग जो है बुलिश हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा, जैसे ये हायर लो जो है स्विंग लो टूट गया, ट्रेंड कंटिन्यूशन है, बॉस हो गया ये, राइट, इसको नाम दे देते हैं बॉस, ठीक है। अभी यहाँ पे ये स्विंग लो हमारा कन्फर्म हो गया, ये स्विंग हाई कन्फर्म हो गया। अभी यहाँ पे आप इसको स्विंग लो बोल सकते हो या नहीं, हाँ बोलिए, आपको पूछ रहा हूँ मैं, आप इसको स्विंग लो बोल सकते हो या नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि ये स्विंग लो है या नहीं, मैं पॉज ले रहा हूँ 5 सेकंड का, आप मुझे आंसर दो है या नहीं, जस्ट यस और नो मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे रिप्लाई दो। फिफ्थ नंबर का पॉइंट, ओके मैं बताता हूँ, इतना कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ये स्विंग लो नहीं है, जैसा कि हमने बोला कि स्विंग लो क्या मार्क करने के लिए मार्केट का इंडस्ट्रीमेंट लेना ज़रूरी है, और इंडस्ट्रीमेंट मतलब क्या होता है, आपका जो भी पॉइंट होता स्विंग हाई मार्क करने के लिए, जैसे देखिए ये अगर इसको मार्केट ले लेता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस होते हैं, राइट, अगर इसको मार्केट ले लेता है इस तरह से, ठीक है, तो ये हो गया हमारा मार्केट ने लिया इंडस्ट्रीमेंट, मतलब लिक्विडिटी मार्केट ने ली, लिक्विडिटी कोई भी फॉर्म में हो सकती है, याद रखना, ये जस्ट एक स्विंग हाई और स्विंग लो के फॉर्म में नहीं, बहुत सारे लिक्विडिटी होती है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी होती है, स्विंग हाई की लिक्विडिटी होती है, स्विंग लो की लिक्विडिटी होती है, डेली हाई डे लो सारा कुछ लिक्विडिटी है, और वही चीज़ मैनिपुलेट होती है, हमें पता ही नहीं चलता, ठीक है। ये हो गया हमारा हायर लो, इसको ब्रेक किया, ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब बेरिश ट्रेंड जो है कंटिन्यू चल रहा है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है, अगर आ रही है तो आप एक लाइक कर सकते हो यार, ठीक है। ये यहाँ पे आ रहा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा स्विंग हाई हायर हाई हो गया, है ना, लोअर हाई, सॉरी लोअर हाई हो गया,
और इसी तरह से जो है ये कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। और ये अगर इसको अगर ब्रेक करता है ये ऐसे, तो हम लोग दोबारा हो जाएंगे बुलिश, और फिर हम लोग जो है बुलिश ट्रेड लेंगे, समझा। अभी रियल चार्ट में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से शुरुआत हम लोग बैंक निफ्टी से शुरू करेंगे, ताकि आपको जो डाउट है, जो आप बोलते हो ना गैप अप होता है, ये बैंक निफ्टी चार्ट है। मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले रहा हूँ, आप कोई भी जो है टाइम फ्रेम ले सकते हो। कहाँ से शुरू करो, कहाँ से, ठीक है, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। शुरू कहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ से, लेकिन स्टार्टिंग से मैं आपको मतलब एक क्लियर हो जाएगा आपको काफ़ी हद तक। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये स्विंग हाई क्यू है, ये स्विंग हाई क्यू है, यहाँ पर मैं देता हूँ हाई, लिख देता हूँ। मेरे चार्ट में आपने अक्सर ये बहुत बार देखा होगा, जब भी मैंने वीडियो बनाई है तो आपको पता है, ये आपने बहुत बार देखा होगा, और ये भी देखा होगा आपने इस तरह से। क्या है ये? इंड्यूसमेंट है, ये इंड्यूसमेंट है, ये इंड्यूसमेंट लिया मार्केट ने, तब जाके ये हाई कन्फर्म हो गया, समझा। ये इंड्यूसमेंट लिया, हाई कन्फर्म, देखिए मार्केट ऐसे नहीं जाएगा, ये आप करने को आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो। देखिए ब्रेक हो गया, फिर क्या हो गया, वो इतना तेज मोमेंटम क्यों मिला, क्योंकि मार्केट का इंड्यूसमेंट लेना जरूरी है। इंड्यूसमेंट जब तक नहीं लेता, तब तक कोई भी हायर हाई कन्फर्म नहीं होता है। ये इंड्यूसमेंट लिया, हायर हाई कन्फर्म हो गया, या यहाँ पे दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब क्या है? ट्रेंड कंटिन्यूशन है ना, कंटिन्यू चल रहा है ना, ये ट्रेंड साइकिल जो है बुलिश चल रही है कंटिन्यू। दोबारा जाएंगे हम, अभी हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे बाय का अपॉर्चुनिटी बनता है। यहाँ पे देखिए अभी गैप अप हुआ है, ये आप देखोगे यहाँ से गैप अप हुआ है। हमें फर्क पड़ता है गैप अप से? नहीं पड़ता है, क्योंकि मार्केट को एक्चुअली गैप अप या गैप डाउन से फर्क नहीं पड़ता। मार्केट को जहाँ लिक्विडिटी दिखती है, मिलती है, मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगा। अभी वो भले गैप अप के फॉर्म में जाओ या गैप डाउन के फॉर्म में जाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता। मोमेंट मिलती है, लेकिन वो गैप अप गैप डाउन में ज़्यादा मिलती है। तो उस चीज़ से बॉदर मत होना है, नहीं होना है आपको, ठीक है। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इंड्यूसमेंट लिया, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो कमेंट में मुझे बताओ यार। सॉरी, ये हायर लो भी हो गया, हम ये मार्क करना भूल गया मैं, ये हाई ये लो। अभी देखिए हमें ये चीज़ पता है कि ये लो है, अगर ये लो ब्रेक होता है तो चौक होगा, और चौक का मतलब क्या होगा, ये लो अगर ब्रेक होता है तो ट्रेंड जो है बेरिश होगा, ठीक है। लेकिन ये ऊपर इसने तोड़ा, इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई, ट्रेंड स्ट्रक्चर जो है बुलिश है, चल रहा कंटिन्यू। यहाँ पे इंडस्टमेंट लिया, ठीक है, इंडस्टमेंट मतलब क्या होता है, कुल बैक होता है मार्केट का। देखिए दोबारा मैं समझाता हूँ, इस तरह से अगर कोई स्ट्रक्चर है तो मार्केट का ना रिसेंट एक स्विंग लेना ज़रूरी होता है। क्यों? फ्यूल, लिक्विडिटी, स्टॉप लॉसेस, अगर नहीं लेगा तो अपसाइड या डाउनसाइड मोमेंटम नहीं आएगा ना। तो ये जब तक नहीं लेगा, इस तरह से मैनिपुलेट नहीं करेगा, तब तक जो है असली मोमेंट अपसाइड की तरफ आपको नहीं मिलेगी, या इवन डाउनसाइड की तरफ नहीं मिलेगी, ठीक है। वो दिन गए जब ऐसे ऐसे लोग बोलते थे या टेक्स्ट बुक में ऐसे ऐसे, बहुत ईजी लगता था, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। फास्ट अगर हो रहा है तो आप मुझे वो भी बता सकते हो, सजेशंस कि नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा स्लो बताओ, या ये वीडियो दोबारा भी अगर मुझे करना पड़े तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया हाई, इंड्यूसमेंट लिया मार्केट ने, हाई कन्फर्म हो गया, ठीक है। यहाँ तक भी अगर आता है ना पॉइंट ऐसे, देखिए यहाँ पे 3 डिमांड जोन है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये इसको एक्चुअली ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं एज अ सेड, ठीक है। ये हो गया इंड्यूसमेंट, ये हो गया हमारा हायर हाई, ठीक है। अगर ये इसको भी ब्रेक करता है मार्केट, तो ये हमारा हो जाएगा सबसे लोवेस्ट पॉइंट जो होगा वो लो होगा हमारा। अभी देखते क्या होता है, देखिए इसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, अभी अभी हुआ क्या है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया। अगर ये इसको ब्रेक किया रहता तो ये बुलिश हुआ रहता, राइट, इसको ब्रेक किया रहता बुलिश हुआ रहता, और हमारा ये सबसे जो भी लोएस्ट पॉइंट रहा रहता वो हमारा लो हुआ रहता। लेकिन ये लो टूटा मतलब ट्रेंड हो गया भाई बेरिश, मतलब मार्केट गिरने वाला है। अरे यार, मार्केट जो है गिरने वाला है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे चौक। चौक का मतलब क्या है? रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल हो गया, ठीक है। अभी ये हमारा हाई है, याद है आपको पता है कि ट्रेंड जो है बेरिश है, तो मार्केट ज्यादा से ज्यादा ऊपर भी जाएगा ना, तो यहां तक ही जाएगा। मार्केट का पॉसिबिलिटी हाई है, यहाँ पे कभी भी आएगा ना, कहीं से भी गिर ही सकता है, यहीं से गिर सकता है। तो देखिए यहाँ तक गया, एग्जैक्टली 60 70 80% रिट्रेसमेंट लिया और सीधा डाउन साइड, और इतना बड़ा मोमेंट आप
कैप्चर कभी भी कर सकते हो। आप बोलते हो कि गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, कितना पॉइंट है ये बैंक निफ्टी का, आप खुद देख लो, 1200 से भी ज़्यादा पॉइंट है ये, ठीक है। एनीवेज वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये हो गया हमारा चौक, चौक हो गया मतलब अभी ट्रेंड बदल चुका है, अभी बेरिश हो चुका है, अभी बेरिश हो गया है। तो अभी आप यहाँ से देखिए, जहाँ से चौक हुआ है, जैसे यहाँ से इस पॉइंट से, इस पॉइंट से मार्केट ने कोई इन्वेस्टमेंट लिया है क्या? यहाँ से ये पुल बैक, ऐसे ये, ऐसे ये एक इनसाइड कैंडल है, ठीक है, इसको काउंट नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। ये ऐसे ऐसे तो यहाँ से तो नहीं लिया है, यहाँ से ऐसे आया है ये, ठीक है। तो यहाँ पे पुल बैक मार्केट ने लिया ही नहीं है, राइट। पुल बैक मतलब जैसे मैंने कहा ना आपको कि इस तरह से अगर स्ट्रक्चर है तो ये हंट करना ज़रूरी है, कोई भी हो या डाउन साइड में भी अगर इस तरह से स्ट्रक्चर जा रहा है इस तरह से, तो ये लेना काफ़ी ज़रूरी है, तो अभी जाके असली मोमेंटम आएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से है, ये ऐसे आया, हाँ एक जगह पे लिया है, सॉरी, आपने प्रॉपर अगर देखा होगा, ये एक वैलिड पुल बैक है, ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये जो है ना, ध्यान से देखना, ये एक पुल बैक वैलिड है, क्योंकि ये जो है ना मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली है, ये वाली ब्लैक कैंडल की 10:25 AM की, तो ये वैलिड हो जाता है। तो ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये हमारा हो गया लो, ये हो गया हमारा लो, क्योंकि मार्केट इन्वेस्टमेंट लिया। और ये फिर अगर इसको ब्रेक अगर करता है तो दोबारा हो जाएगा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ये जो हाई रहेगा ये होगा हमारा स्विंग हाई, ये जो भी हाईएस्ट पॉइंट है वो स्विंग हाई हो गया, राइट। दोबारा फिर यहाँ से वही चीज़ शुरू, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, फिर नीचे नीचे जा रहा है, यहाँ पे फिर देखिए दोबारा ये हाई के ऊपर अगर गया तो क्या होगा, मार्केट मार्केट होगा बुलिश, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखोगे ये स्विंग हाई, ये हो गया इंड्यूसमेंट, ये लिया इंड्यूसमेंट, ये दोबारा हमारा लो जो है ये कन्फर्म हो गया, राइट, लो कन्फर्म हो गया। अभी यहाँ पे देखिए ये जो हाई है ना, ये दोबारा ब्रेक हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया बुलिश। याद रखना, हम लोग 5 मिनट की सबसे बात कर रहे हैं, तो 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है छोटा सा होता है, इसलिए जो बुलिश साइकिल है या जो बेरिश साइकिल है वो पल पल में चेंज होगी, क्योंकि टाइम फ्रेम छोटा है। अगर आप 1 आवर का टाइम फ्रेम लोगे तो 1 आवर का टाइम फ्रेम उस हिसाब से आपको मूवमेंट मिलेगी, अगर आप 4 घंटे का लेते हो टाइम फ्रेम या 1 घंटे का डेली लेते हो तो उस हिसाब से बहुत बड़ी मूवमेंट होगी, क्योंकि हम लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम डिस्कस कर रहे हैं तो उस हिसाब से भी मूवमेंट होगी। तो आपको लगेगा कि 5 मिनट में बुलिश होता है, 5 मिनट में बेरिश होता है, तो क्योंकि टाइम फ्रेम छोटा है। अभी यहाँ पे ये जो हो गया चौक हो गया, चौक हो गया मतलब रिवर्सल हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे चौक हो गया, एक मिनट, अभी आप अगर देखोगे यहां पर भी अगर चौक हो गया, तो ये काउंटर ट्रेंड भी आप देखोगे ना, इस यहां से आप अगर ऑब्जर्व करोगे ना, ये वाला पूरा मूवमेंट आप ऑब्जर्व करोगे, सपोज यहां से लेके यहां तक, ठीक है, तब भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। कैसे बताओ, इसको एक बार के लिए मैं निकाल देता हूं, तो ये देखिए ट्रेंड, देखिए ये हाई स्विंग हाई हो गया। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रेड कैसे ले सकते हैं आप, हर जगह से ट्रेड मार सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा इंड्यूसमेंट, क्योंकि ये वैलिड पुल बैक है जिसको मार्केट ने एज ए इंड्यूसमेंट के तौर पे लिया है, राइट। ये हाई हो गया, ठीक है, ये हो गया यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक, जिसको हम लोग बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हो गया हमारा लो, ठीक है, दोबारा फिर इसके ऊपर मार्केट गया, क्लोजिंग दी, यहाँ पे फिर पुल बैक क्रिएट करते जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर एसएल हंटिंग या आप जो भी बोलो इन्वेस्टमेंट लिया मार्केट ने, नहीं लिया, ये पॉइंट तक, ये सिंगल लेग मूव बोलेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे करेक्शन नहीं आया। इस तरह से जब हंटिंग होती है तब जाके हम लोग बोलते हैं कि हाई मार्क हो गया, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मार्केट ने लिया है, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है ऐसे इस तरह से, ठीक है, यहाँ तक मार्केट ने इन्वेस्टमेंट नहीं लिया। अभी यहाँ पे इस पॉइंट को देखोगे आप, तो ये हो गया
इंड्यूसमेंट आईडीएम, ये हो गया हमारा प्रॉपर हाई लग गया है यहाँ पे अभी, ठीक है। मार्केट अगर चाहता तो मार्केट यहाँ तक भी आता, ये वाला ये जो लो है ना इसके नीचे तक मार्केट का जाने का स्कोप था, लेकिन ये मार्केट की मर्जी है, मार्केट को अगर जाना है तो मार्केट नीचे तक भी जाएगा लिक्विडिटी लेने के लिए, ठीक है। तो ये हाई लग गया, अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोबारा हो गया, मतलब बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कंटिन्यू चल रहा ट्रेंड, ये हो गया हमारा लो, ये हो गया लो, राइट। दोबारा फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, फिर ये जो है इंड्यूसमेंट है ये, राइट, ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया क्योंकि वैलिड पुल बैक है ये। इंड्यूसमेंट का मतलब ये, दोबारा मैं आई अगेन रिपीट कि अगर मार्केट इस तरह से अगर जा रहा है कोई स्ट्रक्चर, तो ये जो है ब्रेक होना ज़रूरी है, इंटरनल जो है ये ब्रेक होना ज़रूरी है। अगर ये ब्रेक होता है तब जाके एक्चुअल मूवमेंट हमें अपसाइड या डाउनसाइड मिलती है, ठीक है। तो ये आप अगर कैंडल देखोगे तो ये प्रॉपर, देखो इसको थोड़ा जूम करता हूँ मैं, ये प्रॉपर एक पुल बैक है ऐसे इस तरह से, राइट। और वो मार्केट ने लिया है, इसलिए हमारा जो हाई है ये कन्फर्म हो चुका है, राइट, इस जगह पे। और अभी आप देखिए कि प्रीवियस लो जो है ये ब्रेक हो चुका दोबारा, क्या हो गया स्ट्रक्चर अभी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं चौक, मतलब रिवर्सल हो गया, वही चीज़ शुरू दोबारा, अभी नीचे जा रहा है, इंड्यूसमेंट ले मार्केट, अभी इंड्यूसमेंट लेगा, ये लिया मार्केट ने इंड्यूसमेंट यहाँ पे इस पॉइंट पे, राइट। इस पॉइंट पे आप नहीं बोल सकते क्योंकि ये इंटरनल का इनसाइड कैंडल है, ये जो भी मूवमेंट हो रही है इसके बीच में हो रही है, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा इंड्यूसमेंट, ये लग गया हमारा दोबारा लो, इसको मार्केट ने किया ब्रेक, ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है हमारा, हाईएस्ट पॉइंट है हमारा ये वाला, ठीक है। मार्केट फिर अभी, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक पॉइंट आता है, देखिए ना अभी आप देखना, मैंने ना कल परसों एक वीडियो डाला था, सॉरी एक कम्युनिटी में पोस्ट डाला था, आप लोग सोच रहे होंगे ना कि ये बी केयरफुल एट दिस जोन इट मे रिवर्स फ्रॉम हियर, अब समझे क्या बोल रहा था मैं उस दिन, 10 दिन पहले की बात है, इस जोन पे यही जोन था वो, देखिए मैं तो अभी मेरे को पता भी नहीं था, रैंडमली हम इस जोन पे आ रहे स्ट्रक्चर मार्किंग करते करते, ठीक है। ये हो गया हाई, ये हो गया लो, ये इन्वेस्टमेंट लिया, दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे गैप अप मार्केट जो है ओपन हुआ है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता गैप अप हो या गैप डाउन हो, हम जो स्ट्रक्चर मार्क करते हैं हम उस हिसाब से ही ट्रेड लेते हैं और उस हिसाब से ही एग्जीक्यूशन करते हैं। अभी इस पॉइंट पे ये जो देखे देख रहे हो आप, यहाँ पे एक प्रॉपर इंडस्टमेंट ये वाला है, मार्केट ने इंडस्टमेंट लिया, और स्ट्रक्चर क्या है मार्केट का, मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो बेरिश है ना, ये इसके ऊपर अगर निकल जाते तब जाके हम लोग बोल सकते कि मार्केट जो है बुलिश होगा, लेकिन अभी तो करंटली सीना जो चीज़ है वो तो बेरिश ही है ना। तो मार्केट ने जो है यहाँ पे इंडस्टमेंट लिया, और ये जो लो है हमारा लो क्रिएट हुआ, और ये जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है ये ऑर्डर फ्लो बन जाता है ये वाला, एग्जैक्टली डॉट उसी से मार्केट ने रिएक्शन देखे, देखिए इसी को बोलते हैं एसएल हंटिंग एक्चुअली, और यही मैंने पोस्ट किया था उस दिन, देखिए बी केयरफुल एट दिस जोन इट मे रिवर्स फ्रॉम हियर, यहाँ से रिएक्शन मिला नीचे, दोबारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये साइकिल चलती ही रहेगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो, ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये हो गया हमारा रीसेंट स्विंग हाई, रीसेंट स्विंग हाई। अभी इस लेग में आप अगर प्रॉपर देखोगे ना, यहाँ पे जो है एक कोई ट्रैप नहीं है, ट्रैप नहीं है मतलब कोई पुल बैक नहीं है, फॉर इंड्यूसमेंट, वैलिड इंड्यूसमेंट के लिए पुल बैक नहीं, ये एक पुल बैक है एक्चुअली, सॉरी ये है, सो सॉरी, ये वाला एक है, मार्केट ने इसको ले लिया। दोबारा देखिए आप, यहाँ पे गैप अप हुआ है, हमें फ़र्क पड़ता है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, इंड्यूसमेंट लिया, ये लो कन्फर्म हो गया, ये दोबारा ये एक्चुअली सेलिंग पॉइंट बनता है ये वाला, यहाँ पे एक सेलिंग पॉइंट बनता है, और लेकिन अगर इसके ऊपर जाता है तो स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा बुलिश हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे स्ट्रक्चर जो है मार्केट ने ब्रेक कर दिया, क्या हो गया बुलिश हो गया, यहाँ पे बुलिश हो गया, लेकिन इस लेग में आप देखोगे ना यहाँ पे इंडस्ट्रमेंट लिया ही नहीं है, ये हो गया हमारा चौक, मतलब रिवर्सल, ठीक है।
तो यहाँ पे मार्केट ने आप देखोगे तो कहीं पर भी जो है इन्वेस्टमेंट लिया है नहीं लिया है, ये इन्वेस्टमेंट है नहीं है ये, क्योंकि इनसाइड कैंडल है ये वाली, ये दोबारा ब्रेक किया इसको, यहाँ पे कहीं पर भी मार्केट ने जो है इन्वेस्टमेंट नहीं लिया है। फाइनली इस पॉइंट पे मार्केट ने जो है इन्वेस्टमेंट लिया इस पॉइंट पे, ये हो गया हमारा हायर हाई। हायर लो हमारा यहीं पर अभी, ये हो गया हायर हाई, राइट। और एक्चुअल हमारा हायर लो है ये वाला इस पॉइंट पे, तो मार्केट अगर इस पॉइंट को ब्रेक करता है तो हम हो जाएंगे बेरिश, जो कि गैप डाउन के फॉर्म में मार्केट ने जो है कर दिया उस दिन। जो भी न्यूज़ आई थी HDFC या जो भी है न्यूज़ बेस पे, अभी कभी ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि प्राइस सेक्शन या चार्ट ही आपको सारी चीज़ें बता देते हैं ऑलरेडी। अगर आप फिर भी लेते न्यूज़ बेस्ड पे तो पता नहीं फिर आप क्या ही, मतलब अगर आप पे सूट होते तो कर सकते हो। ये हो गया स्ट्रक्चर, दोबारा बेरिश मतलब चौक हो गया, रिवर्सल हो गया है ना, बेरिश चौक, और ये आज का ही है ये ना स्ट्रक्चर। यहाँ से आप देखो, दोबारा देखो आप अभी यहाँ पे, ये आज का ही स्ट्रक्चर है आज का, अभी ये कल परसों फॉर्म हो जाएगा। यहाँ से मार्केट आ रहा है ऐसे नीचे नीचे नीचे, यहाँ पे मार्केट ने कहीं इन्वेस्टमेंट लिया है नहीं लिया है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो टेक्निकली एक छोटा सा लिया है ये वाला ऐसे ऐसे, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, उस हिसाब से 5 मिनट के हिसाब से ये अभी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये जो है इन्वेस्टमेंट लिया है, ये इन्वेस्टमेंट क्यों है ये देखिए ध्यान से देखो, ये कैंडल ने जो है ऐसे, ये वैलिड पुल बैक है ठीक है, ये ऐसे आया ऐसे ऐसे राइट, ये हो गया वैलिड पुल बैक, तो ये हो गया हमारा लो। क्योंकि मार्केट ने जो है ये ले लिया, और ये स्ट्रक्चर फिर दोबारा यहाँ से ब्रेक हो गया, तो ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और बेरिश ट्रेंड हमारा दोबारा कंटिन्यू चल रहा है राइट। ये हो गया हाई, सेम फिर ऐसे ही नीचे नीचे आ रहा है। अभी आप देखोगे आज कल, आज और कल की बातें मतलब आज परसों की, ये क्या हो गया, ये हो गया हेवी गैप डाउन। और मैंने एक चीज़ क्या बोली आपको कि मूवमेंट, अभी इसमें मुझे एक चीज़ बताइए आप, यहाँ पे आपको कहीं भी मतलब कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है कि गैप अप हो गया, मतलब हो तो रहा है गैप अप गैप डाउन, लेकिन अपने हिसाब से ही प्राइस चल रहा है ना, जो स्ट्रक्चर है उस हिसाब से ही स्ट्रक्चर चल रहा है। बुलिश अगर है तो बुलिश ही जा रहा है मार्केट, बेरिश अगर है तो बेरिश ही जा रहा है, वो बात अलग है, गैप अप के फॉर्म में हो रहा है तो वो तो होना ही है। जैसे अभी ये स्ट्रक्चर जो था, अभी यहाँ से मैंने क्या बोला, यहाँ पे बोली बेरिश हो गया, यहाँ से अभी साइकिल चल रही है अपनी बेरिश की, तो ये बेरिश इन्वेस्टमेंट लिया, लो कन्फर्म हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, हाई कन्फर्म हो गया, दोबारा फिर ये साइकिल चल रही है। अभी ये उस दिन गैप डाउन हो गया, लोगों को लग रहा कि ये गैप डाउन में कुछ काम नहीं करता कुछ नहीं करता, अभी यहाँ पे प्रॉपर देखोगे तो ये यहाँ पे भी इसका इन्वेस्टमेंट बनता है ये वाला, ये इन्वेस्टमेंट लिया राइट, लिक्विडिटी लिया, इन्वेस्टमेंट लिया, ये हो गया लो। इन्वेस्टमेंट जैसे लिया तो ये देखिए फिर दोबारा मूवमेंट नीचे, तो इसमें आपको परेशानी किधर आ रही है, मतलब ये एग्जैक्ट इसी ऑर्डर ब्लॉक से जो है मार्केट ने जो है रिएक्शन दिया, और ये साइकिल अभी चलते रहेगी डाउन साइड। रिसेंट हमारा स्विंग हाई ये है, अगर इसको ब्रेक करता है तो दोबारा बुलिश हो जाएंगे हम लोग है ना, फिर दोबारा बुलिश साइकिल चलती रहेगी। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का। अभी गोल्ड का मैं जस्ट एक छोटा सा सिनेरियो मैं आपको बोल देता हूँ, क्योंकि हमने बैंक निफ्टी का ये बहुत लंबे समय तक डिस्कस किया, तो गोल्ड का मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा ठीक है। पता नहीं कितना टाइम हो गया, मुझे नहीं पता कितना टाइम हो गया, लेकिन अभी ये गोल्ड का है ठीक है। अभी गोल्ड का जो है, मैंने आपको एक चीज़ बहुत पहले इसमें पोस्ट की थी, बहुत 1 महीने पहले की बात है, कि यूरो यूएसडी गोल्ड 90 डिग्री डाउनफॉल, और 1 महीने पहले मैंने कहा था कि गोल्ड जो है ना, ये देखिए 1 महीने पहले की बात है, गोल्ड बहुत तगड़ा डाउन साइड मोमेंटम देने वाला है, और ऐसा नहीं कि 1-2%, 17-16-20% तक की गिरावट हो सकती है, और ये 1 महीने पहले की बात है, और मैंने अपलोड किया था गोल्ड का सिनेरियो, आप देखिए अभी आप ठीक है। ये होता है एक्चुअल, एक चार्ट अगर आप सही से स्टडी करते हो ना तो बेनिफिट ही मिलेगा आपको। देखिए ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे किया था एनालाइज, और वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे ठीक है, ये वाली कैंडल थी वो ठीक है, ये वाली,
दोबारा देख लीजिए आप जो मैंने यहाँ पे पोस्ट किया था, ये देखिए ये वाली कैंडल है वो, राइट। तो यहाँ से लेके जो है, यहाँ से लेके मैं अगर आवरली टाइम फ्रेम देखिए, अभी तक हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिस किया था, बैंक निफ्टी पे किया था। अभी यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से कंटिन्यूस डाउनफॉल चल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक डाउनफॉल ही चल रहा है। सेम इसमें भी वैसा ही है यार, इसमें कोई अलग नहीं है। आप अगर प्रॉपर अगर देखते हुए देखिए, ये हमारा हो गया लो, क्यों लो हो गया हमारा ये बताओ। अभी ये लो हो गया, राइट, क्योंकि मार्केट ने लिया है इंड्यूसमेंट, ये वाला इंड्यूसमेंट लिया। ये लो कंफर्म हो गया, उसके बाद फिर ये दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, राइट। फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में जो है ये हाई कंफर्म हो गया हमारा, राइट। फिर ये दोबारा नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, फिर सेम चीज़ वहाँ पे, फिर वही चीज़ रिपीट होगी, ठीक है। यहाँ से लेके इस लेग में देखिए, यहाँ पे कोई इंडस्टमेंट नहीं है, ये वाला एक इंडस्टमेंट है अगर इसको मार्केट ले लेता है, लेकिन इसको मार्केट ने लिया है, नहीं लिया, राइट। अगर इसको लिया रहता तो ये पॉइंट हमारा लो हुआ रहता। मैं इसलिए बोलता हूँ कि हम लोग वैलिड, मतलब देखिए हवे में हम लोग हाई या लो मार्क नहीं कर सकते, हाई या लो मार्क करने के लिए कोई रीज़न तो चाहिए ना, कुछ भी, मतलब ये हाई ये लो, ये हाई ये लो, ऐसा नहीं होता ना। अभी यहाँ पे ये लो नहीं है क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने कुछ लिया ही नहीं है इंडस्टमेंट। अभी यहाँ पे आप देखोगे प्रॉपर, तो ये देखिए ये पॉइंट से आप अगर देखोगे ना, ये पॉइंट, ये लो हो गया, क्यों लो हो गया, यहाँ पे देखिए ये प्रॉपर एक इंड्यूसमेंट लिया है, ये एक वैलिड जो है इंड्यूसमेंट है, स्विंग लो है ये, क्योंकि ये इस तरह से कुछ आया है, ये ऐसे 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 और फिर ये ऐसे हंट किया और मूवमेंट डाउन साइड, समझे। फिर ये लो हो गया और ये हमारा हो गया हाई दोबारा, ठीक है, ये इंड्यूसमेंट हो गया, या ये भी काउंट कर सकते हो, ये भी इसके पहले छोटा, ठीक है। दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया ये वाला, ठीक है। फिर दोबारा ये जो इंडस्टमेंट है मार्केट ने लिया, तो ये साइकिल जो है चलती रहेगी कंटिन्यूसली, ठीक है। फिर दोबारा फिर ये लो कन्फर्म होगा, फिर ये नीचे, फिर ये देखिए ये रिसेंट में अभी चल रहा है जो लाइव प्राइस एक्शन चल रहा है, ये इंडस्टमेंट है हमारा, मार्केट ने ये लिया, ठीक है। ये लो कन्फर्म हो गया, ये एक ऑर्डर फ्लो है, यहाँ से प्रॉब्लम मार्केट जो है कोल्ड जो है गिरेगा डाउन साइड, नीचे तगड़ा जाएगा ये वाले ऑर्डर फ्लो से। फिर ये दोबारा ये लो हो गया, फिर ये ऐसे नीचे जैसे ऐसे आएगा ये इस तरह से, तो ये हाई हो गया फिर हमारा, है ना। तो इस तरह से जो है ये कंटिन्यू चलते रहेगा।